हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 20 है और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी से बर्कले को, जो कि यूनिट 2 में है। ठीक है, और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो और इस यूनिट से 4 से 6 मार्क्स आपके पक्के हैं और इस छोटे छोटे मार्क्स से ही तो आपका जेआरएफ क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ टॉपिक या फिर कुछ यूनिट कवर नहीं कर पाए तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि सिलेबस से ही आपका 40% क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेबस में जो छोटे छोटे टॉपिक लिखा रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में देखा जाए तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा है। राइट, तो देखो, बर्कले, रिजेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। ठीक है, ये जो लॉक ने दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ को जो डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये बर्कले ने रिजेक्ट कर दिया। और इमेटेरियलिज्म, ठीक है, क्रिटिक्वी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और एसेस्ट पार्सिपाई द प्रॉब्लम ऑफ सोलिप्सिज्म एंड गॉड एंड सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर्ड बाय बर्कले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्कले के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए, एनक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, या फिर ऑप्शन सी, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऑप्शन डी, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो फ्रेंड्स, बर्कले के द्वारा लिखा गया था प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। राइट, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो देखो, ऑप्शन ए, सी और डी क्यों नहीं है वो हम बताते हैं। तो देखो, ऑप्शन ए, एनक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये ग्रंथ तो किसने लिखा था? डेविड ह्यूम ने लिखा था। राइट, और जो ऑप्शन सी है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये ग्रंथ तो लिखा था जॉन लॉक ने। राइट, और जो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है, ये ग्रंथ तो लिखा था हेगल ने। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। राइट, अब अगला क्वेश्चन देखो, बर्कलेज एसेस्ट पार्सिपाई होल्ड्स दैट, यानी कि बर्कले के जो एसेस्ट पार्सिपाई है उसको मानना है कि ऑप्शन ए, नथिंग कैन एग्जिस्ट अनपरसीव्ड, या फिर ऑप्शन बी, नथिंग एग्जिस्ट, या फिर ऑप्शन सी, ओनली आइडियाज एग्जिस्ट, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, बर्कले का जो एसेस्ट पार्सिपाई है, ठीक है, ये आधा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको फुल कर देते हैं। तो देखो, एसेस्ट पार्सिपाई एट पार्सिपायर, एट मीन्स टू बी इज टू बी पार्सिव्ड। राइट, और अकॉर्डिंग टू इट एग्जिस्टेंस इम्प्लाइज बीइंग पार्सिव्ड। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नथिंग कैन एग्जिस्ट अनपरसिव्ड। राइट, तो जो कुछ भी अनपरसिव्ड चीज़ है वो सारे एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो, ऑप्शन बी, नथिंग एग्जिस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट, और ऑप्शन सी, ओनली आइडियाज एग्जिस्ट, ये भी नहीं होगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बर्कलेज थ्योरी ऑफ एसेस्ट पार्सिपाई, ठीक, आवर आइडियाज फीलिंग्स एंड इमेज हैव नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम आवर माइंड। राइट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एसेस्ट पार्सिपाई से आप लोगों को मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बर्कलेज डिक्टम एसेस्ट पार्सिपाई मीन्स, ठीक है, बर्कले की उक्ति एसेस्ट पार्सिपाई का अर्थ है ऑप्शन ए, व्हाट एवर एग्जिस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, या फिर ऑप्शन बी, व्हाट एवर एग्जिस्ट इज डिपेंडेंट ऑन माइंड, या फिर ऑप्शन सी, व्हाट एवर एग्जिस्ट इज कॉट बाय थॉट, या फिर ऑप्शन डी, व्हाट एवर एग्जिस्ट इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी अभी एसेस्ट पार्सिपाई से एक क्वेश्चन किया है। राइट, तो अब इसको भी कर लेते हैं। देखो, एसेस्ट पार्सिपाई का मीन्स क्या है? टू बी इज टू बी पार्सिव्ड। राइट, और अकॉर्डिंग टू इट एग्जिस्टेंस इम्प्लाइज बीइंग पार्सिव्ड। तो जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी अस्तित्व है वो सब दिखाई देने वाला चीज़ है। राइट, और बहुत सारे चीज़ को अगर हमारे पास मन नहीं है तो हम लोग को कैसे दिखाई देगा? राइट, तो आवर आइडियाज फीलिंग्स एंड इमेज, राइट, हैव नो एग्जिस्टेंस अगर आवर माइंड इज नॉट इन मी। राइट,
तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस बी, व्हाट एवर एग्जिस्ट इज डिपेंडेंट ऑन माइंड, तो ये ऑप्शंस हमारा सही हो जाएगा, राइट। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। और एक जरूरी बात आप लोगों को बता देता हूँ, जो बार्कले का एसेस्ट पार्सिफाई जो थ्योरी है, ठीक है, वो डिड्यूस किया था लॉक का जो आइडिया था ना सब्सटेंस का, ठीक है, उससे डिड्यूस किया गया था, राइट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट वन में फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट टू में उसका जो थ्योरीज है बहुत सारे दिया हुआ है। तो देखो लिस्ट वन, ठीक है, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज एंड बार्कले, और लिस्ट टू में है पैरेललिज्म, इंटरेक्शनिज्म, मेंटलिज्म और प्री एस्टाब्लिश्ड हारमोनी। तो फ्रेंड्स जब हम लोगों ने डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो डेकार्ट का माइंड बॉडी रिलेशनशिप है उसको कहा जाता है इंटरेक्शनिज्म, राइट। तो ए को टू से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। और देखो जो स्पिनोजा है वो पैरेललिज्म हो जाएगा, और जो लाइबनिज है, ठीक है, वो तो प्री एस्टाब्लिश्ड हारमोनी हो जाएगा, और बाकी रह गया एक, वो कौन सा, बार्कले। बार्कले क्या हो जाएगा, मेंटलिज्म, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बार्कले क्या है, ऑप्शन ए आइडियलिस्ट, या फिर ऑप्शन बी रियलिस्ट, या फिर ऑप्शन सी प्रैग्मेटिस्ट, या फिर ऑप्शन डी न्यू रियलिस्ट। तो देखो बार्कले एक आइडियलिस्ट है, और वो कौन सा आइडियलिस्ट है, वो सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है। और बार्कले होल्ड्स दैट कि जो नेचर है, ठीक है, वो एक मेरिली प्रोजेक्शन है ऑफ माइंड का, राइट, और इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और बार्कले फाउंडेशन किया सिस्टम ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को किसके द्वारा, बाय हैविंग बिलीव इन फाइनाइट माइंड एंड इनफाइनाइट माइंड, दे आर आइडियाज, इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, और ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये भी एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट वन में कुछ फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट टू में उसका जो कुछ थ्योरी है वो सब दिया हुआ है। तो देखो लिस्ट वन में है ह्यूम, लॉक, बार्कले एंड लाइबनिज, और लिस्ट टू में है रिफ्यूटेशन ऑफ इननेट आइडियाज, रिफ्यूटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बांडल थ्योरी और प्लूरलिस्टिक मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। तो देखो जो लॉक है वो डेकार्ट्स का जो इननेट थ्योरी है, जो इननेट आइडियाज दिया था डेकार्ट्स ने, उसको रिजेक्ट किया है। तो ऑप्शन बी को वन से मिला दो तो देखो यहाँ पर तीन ऑप्शंस है, ए, सी और डी। तो ऑप्शन बी तो किसी भी तरह का नहीं होगा, राइट। अब देखो जो बार्कले है, ठीक है, हम लोगों ने सिलेबस में ही देखा था जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, ठीक है, उसको किटिकुई किया था, मीन्स रिजेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो सी को टू से मिला दो तो देखो यहाँ पर भी दो ऑप्शंस में है ए और डी, तो ऑप्शन सी भी डिलीट हो जाएगा। आप देखो जो लाइबनिज है, ठीक है, वो क्या है, प्लूरलिस्टिक मेटाफिजिकल आइडियलिज्म। तो डी को फोर से मिला दो तो देखो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो ह्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो बांडल थ्योरी को दिया है, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर एक्सेप्टेबल टू बार्कले, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बार्कले को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन ए परसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, या ऑप्शन बी अनपरसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, ऑप्शन सी सेल्फ इज बट सबस्टार्टम ऑफ ए बंडल ऑफ सेंसेशन, ऑप्शन डी मैटर इनवेरिएबली एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको चूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है पार्सिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, ये तो बार्कले के द्वारा एक्सेप्ट किया है, राइट, ये तो होगा ही होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना जो एसेस्ट पार्सिफाई, तो वहाँ पर ही तो ये पढ़ा था कि जो पार्सिव्ड चीज़ है वो सब एग्जिस्ट करता है, तो टू बी इज़ टू बी पार्सिव्ड, राइट। तो ऑप्शन ए तो होगा होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन फोर। तो ए के साथ और सी भी है, तो सी क्या है, सेल्फ इज बट सबस्टार्टम ऑफ ए बंडल ऑफ सेंसेशन, राइट, ये भी होगा। तो ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट वन में है सामम बोनम, कोजिडो अर्गोसुम, एसेस्ट पार्सिफाई एट पार्सिफायर, और लास्ट में है टबुला रजा। और लिस्ट टू में है लॉक, बार्कले, डेकार्ट्स और एरिस्टोटल। तो देखो
कोजिटो अर्गो सुम, ये तो डेकार्स ने दिया है, राइट, आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट। तो बी को थ्री से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन वन। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो एसेस्ट पार्सिपाई एट पार्सिपायर है वो बार्कले ने दिया है, और टबूला रजा या फिर ब्लैंक स्लेट ये किसने दिया था, लॉक ने दिया था, राइट। और जो सामान बनम है वो किसने दिया होगा, वो एरिस्टोटल ने दिया है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर द रीजन ऑफ आवर फेथ इन मैटर, हु थिंक्स सो, कौन सोचता है कि अमूर्त विचार ही पदार्थों में हमारा विश्वास का कारण है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन बी ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी बार्कले, या फिर ऑप्शन डी मूर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, ठीक है, वो ही पदार्थों में हमारा विश्वास का कारण है, और ये सोचता था ऑप्शन सी बार्कले ने, और ये बार्कले ने, ठीक है, जॉन लॉक ने जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दिया था, ठीक है, उसी का ही ये क्रिटिसिज्म है। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एक्सप्लेन्स हाउ नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड। क्रिटिकुई ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है, इसका एक लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना एक बार, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स दैट व्हेन आई ओपन माय आईज इन डेलाइट एंड जस्ट परसीव द आइडियाज ओनली। तो निम्नलिखित में से कौन कहता है कि जब मैं दिन के उजाला में अपने आँखें खोलता हूँ और केवल विचार को ही देखता हूँ। ऑप्शन ए जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन बी बार्कले, या फिर ऑप्शन सी बैकन, या फिर ऑप्शन डी ह्यूम। तो ये एक स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बार्कले। व्हेन आई ओपन माय आईज इन डेलाइट एंड जस्ट परसीव द आइडियाज ओनली, ये बार्कले ने कहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिलोसॉफी ऑफ बार्कले ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, बार्कले के दर्शन में निम्नलिखित कथनों को, ठीक है, सभी सत्य है सिवाय एक के। तो ऑप्शन ए देयर आर नो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, क्या ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है बार्कले के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन बी व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट्स आर ओनली आइडियाज, ये भी सही है। और ऑप्शन सी गॉड क्रिएट्स आइडियाज इज अस, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है, देखो देयर आर आइडियाज ऑफ फ्लाइंग हॉर्सेस, ये सही नहीं है बार्कले के अकॉर्डिंग, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, राइट। तो लिस्ट वन में है, आई कुड नॉट हैव बीन द कॉज ऑफ माई ओन एग्जिस्टेंस फॉर आई हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्शन। इसका मीनिंग है, मैं अपने अस्तित्व का कारण नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास पूर्णता का विचार है, राइट। ये जो आइडिया ऑफ परफेक्शन ये किसने दिया था, ये डेकार्स ने दिया था, राइट। तो ए को थ्री से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में क्या बोला है, देखो इफ़ ए प्रिंसिपल कैन बी इम्प्रिंटेड ऑन द सोल विदाउट बीइंग नोन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ नेचर एंड व्हाट नॉट। इसका मीनिंग क्या है कि यदि किसी सिद्धांत को जाने बिना आत्मा पर अंकित किया जा सकता है, तो प्रकृति क्या है और क्या नहीं के बीच डिस्टिंग्विश करना असंभव है, और ये बोला था जॉन लॉक ने, राइट। तो बी को फोर से भी मिला सकते हो। अब देखो ऑप्शन सी माइंड इज इनकैपेबल ऑफ फार्मिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मीनिंग क्या है, मन अमूर्त विचारों की खेती करने में असमर्थ है। तो ये दिया था बार्कले ने। और लास्ट में है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट नेसेसरली बट द आइडियाज आर कनेक्टेड इन आवर माइंड बाय एसोसिएशन, मीनिंग क्या है कि वस्तुएं जरूरी नहीं है लेकिन विचार हमारे दिमाग में संगति से जुड़े हुए हैं। तो ये ह्यूम हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बार्कलेज फिलोसफी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।